फ्रॉम ऑडियंस एंड व्यूअर्स. मैं हूं आपकी होस्ट ZQ और हम आपके लिए लाए हैं चल ही जाएगा क्योंकि आज हमारे पहले एपिसोड है. हमारा टॉक शो इस तरह डिफरेंट है क्योंकि हम रियल लाइफ इश्यूज, जो सुलझाने वाले गुस्से वाले इश्यूज हैं, हम उनको लेकर आए हैं और आप जैसे लोगों के साथ उनके मसले हल करने की हम कोशिश करेंगे. क्या पता अगले एपिसोड में आप भी यहाँ बैठे हों या इधर हों और हम आपके मसले हल कर रहे हों. स्टे ट्यून एंड वेलकम वंस अगेन टू माय वेलकम बैक. जी, देखने में हमारे पास एक नॉर्मल फैमिली है. हमारे पास सास हैं, बहू हैं, बहू की अम्मी हैं और सास की बेटी, बिल्कुल बल्कि आपकी नंद हुई जी. हमने सोचा कि इनसे इनके मसाइल के बारे में पूछें ताकि शायद ये सास बहू का जो मसला है शायद ये लोग हल कर लें. सबसे पहले मैं सास से पूछूंगी कि आमतौर पर ये क्यों होता है कि सास ही बुरी बनती है. देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच की बात नहीं, मगर आप देखें, कोई भी आप ड्रामा देखें, कुछ भी हो, जो हम आम जिंदगी में भी जो हम कहानियां सुनते हैं उसमें सास जो होती है वही बहुत सख्त डरावनी होती है. वो होती नहीं है, बनाई जाती है. इसलिए कि आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, उसमें बहुएं जो आ गई वो आ गई जरा एडवांस किस्म की, इसलिए जब उनको कुछ बात कही जाती है तो उनको तो बुरा लगेगा, तो वो तो सासों की बुराई करेंगी तो सास तो खुद ब खुद बुरी हो जाएगी. अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो आपकी बहू हैं, आप इनकी शादी कब हुई? इनकी शादी को 3 साल गुजर चुके. तो 3 साल में तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी वाकफियत हो जाती है, बिल्कुल घुल मिलकर एक ख़ानदान की तरह रहता है बंदा. हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा. 3 साल में अगर समझा जाए तो सब कुछ बंदा समझ सकता है, लेकिन अगर समझने की कोशिश ही नहीं करे, नहीं ये फर्जी बनाया जाए, ये तलखी क्यों है मुझे बताइए. आप मुझे 3 चीज़ें बताएं जो आपको अपनी बहू के बारे में अच्छी लगती हैं. नेक शुरुआत करते हैं, अच्छी अच्छी बातों से शुरू करते हैं, फिर हम मसलों पर भी पहुँच जाएंगे. अच्छी की बात आप कर रही हैं, 3 तो होंगी, मतलब अच्छी सी लग रही हैं. देखें, चुपचाप बैठी हैं अपनी अम्मी के साथ. अरे भाई, कहाँ बहन, क्या बात पूछ रही हो. इनकी एक बात भी अगर अच्छी होती ना तो मैं तो नहार हो जाती इन पे. इनकी तो एक बात भी अच्छी नहीं है. नहीं, ये मैं कैसे मान सकती हूँ, एक तो बात होगी ना. चले हम उनसे बात करके देखेंगे तो आपको अंदाजा खुद ही हो जाएगा कि ये कैसी है. बात करते हैं, आप मुझे बताएं कि आपको 3 चीज़ें जो अपनी सास के बारे में अच्छी लगे. उनको फिलहाल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम खत्म होते वक्त इंशाल्लाह लगेगा. हाँ, अंदाजा हो जाएगा. नेचुरली सी बात है, जब सास को बहू के बारे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो कैसे अच्छा लगेगा. बस यही काफ़ी है कि मेरे हस्बैंड जिनसे मेरी लव मैरिज हुई है उनकी मदर है, उनकी रिस्पेक्ट की हद तक ठीक है, वरना मुझे तो उनमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता. नहीं, ये देखिए, दो गलत बातें एक सही चीज़ तो नहीं निकलती. अगर सास ये समझ ले कि जिसको वो ब्याह कर लाई है, चाहे वो बेटे की पसंद हो, चाहे वो लव मैरिज, चाहे अरेंज हो, अपनी बेटी की नजर से रखे, लेकिन क्या वो कभी भी नहीं, क्योंकि जो लड़की आती है वो गैर घर से आती है. मेरी बात और वो ये समझ के आती है कि मेरा घर एक जगह के वालदेन के घर में देखा बचपन से. माओ ने हमारी बहू को सुने तो सही. आप वालदेन ने जो शुरू से समझाया कि ये कि तुम्हारा घर ये नहीं है, तुम्हारा दूसरा घर है, साथ मेरा घर है. मेरी बात मुझे बताए तो बहू सुनती रहेगी, कहती है माँ के ससुराल है आप मुझे बताएं. अब मुझे देखें, अब मेरी देख ले, मैं कैसी सास हूँ. मैंने सकी भांजी का रिश्ता तुड़वा के इससे रिश्ता करो तो वो तो गुजर गई ना बात, गुजरी बात, गुजर गई बात. अगर मैं बेटी ना बनाती, तुड़वाया कैसे रिश्ता, तो तोड़ना पड़ा जब इनका बेटा मेरी बात नहीं सुनेगी, तो वो तो जाहिर सी बात है. देखिए, वो आपके बेटे की पसंद है. नहीं नहीं, बिल्कुल. अच्छा, आप मेरी बात उसको चुप करा. बहू रानी रुक जाओ. अच्छा समदन जी, बताइए, आती थी तो बड़ी भोली बनकर आती और बेटी की इतनी तारीफ करती. अरे जब फांस दिया मेरे बेटे को माँ बेटी ने, तो फिर बेटे की पसंद है, मुझे तो जाना ही था ना. मैंने समदन जी को तो सुन लेना. सुना क्या, ये कौन सा सच बोलेगी. बेटी का तय हो, जब बेटे का तय हो गया तो जेस की लिस्ट पकड़वा दी और कह लेंगे ये दे दो वो दे दो हमारे जेवर वाली बात हम बताए. अच्छा नहीं नहीं नहीं, मैं बताइए जेस की लिस्ट. अरे मेरी बात आप सुनो. अरे आप पहले मेरा ख्याल है. सुनो सुनो सुनो, आप मेरी बात सुनो. मेरी बात सुनो. नहीं नहीं, आप बताइए, मुझे तो देखिए, आप मेरी बात ही सुनो. आपने जहेज की लिस्ट दी, जहेज इस मतलब कि 21वीं सदी में जहेज. अरे बहन, आप ये देखिए, मुझे
आपके सामने वो मुझे बहू को बोलने नहीं दे रही है। आप ये देखे सास चुप रहे हैं, बहू सास जिद की मेरी कमेटी। अरे इसको कमेटियाँ लेने के बाद अच्छा रुकिए रुकिए घर आपने जहेज दिया अरे फ्रॉड नहीं करो ये जो जिसको ले कर रही है ऐसे तो नहीं मुझे बताएं ऑडियंस क्या ये झूठा रो रही है, क्या ये परेशान है कि नहीं, क्या ये सारा ड्रामा है? सुनेगी तो उनको पता चलेगा। मुझे बताइए जो रोना ले, आप मेरी बात सुने, उनको सुनने दे, आपको बताते ऑडियंस को सुन रहे हैं। पहले ऑडियंस आप मुझे बताएं मेरी बात ही आप नहीं ऑडियंस अच्छा अच्छा आपको बात सुननी पड़ेगी। आप सुने मेरी बात, देखिए आप जो बड़े होते हैं नहीं आप इन्होंने कमेटी में बड़े होने का फायदा उठाती है कि मैं बड़ी बुजुर्ग को मेरे सामने चुप रहा अब मैं कमेटी की अच्छी बात बताती हूं वो नहीं सुनने देगी। वो तो इसी तरह अब देखें मैं जब मेरा बेटा पहले कमाता था सारी तनख्वाह ला के मेरे हाथ पे रखता था मैं कमेटी में जाती थी घर पे चला था। अब जब ये आई ये कहा इसने मेरे बेटे को मुट्ठी में कर लिया ये मुझे सारी तनख्वाह दी मेरे बेटे को मुट्ठी में होगा। अच्छा मेरी बात सुनो बेटे का ये कहना है अरे बेटे का ये कहना है अब बेटे का कहना है महीने भर की तनख्वाह मिलता है और बेटे का कहना है कि महीने भर की तनख्वाह अम्मी 15 दिन में खर्च कर देती है एक दिन मेरी बेटी काम करेगी एक दिन तुम्हारी मेरी बहू काम करेगी। जब इनकी बेटी का काम का नंबर आता था तो उस दिन दाल पकती थी और क्या कहते हैं खत्म हो जाता जिस दिन मेरी बेटी का नंबर आता था उस दिन कोफ्ते बन रहे हैं मसाले पीस रहे हैं अदरक पीस रही है। अरे मेरी बेटी का कपड़े धोने के डब्बा आ जाए वो कैसे कैसी मछली शक्ल में मछली अरे जाओ क्या क्या कह रही हो जीत के अल्लाह देख रहा है तोबा अल्लाह देख रहा है अभी देखो ये बर्दाश्त लहर इनको भी बर्दाश्त नहीं है। नंद पहली दफा बोल रही है नंद बोले ये देख एकदम झूठ है ये बकवास है ये सारे दिन किचन में भाभी कहाँ होती है किचन में तो मैं जब इसकी बारी होती है माँ आ जाती है अच्छा आप चुप अच्छा सुनिए मेरी एक दरख्वास्त है सास सासू माँ आप और बहू अब बिल्कुल चुप रहेंगे अब नंद की बारी है जरा नंद कुछ लाइट थ्रो करें कि क्या होता है आप मुझे जब देखें ना इनका अक्सर इनको देखते हैं जब देखें इनके चेहरे में मास्क लगे होते कभी नीला तो कभी पीला हम तो इसकी असल शक्ल भी तब देखते हैं जब या तो ये घर से बाहर जा रही होती हैं या भैया का आने का टाइम होता है पूछ लीजिए। हाँ तो आप बताएं जरा सारा दिन में सारा दिन मैं घर में मासी बनी फिरती हूँ जब मेरे मियाँ के आने का टाइम होगा जब मैं उनको हल्दी मिर्ची की बूँद सूंघूंगी अरे हमारी बच्ची क्या मुफ्त ही आई है शोहर का बस मेरी बेटी अरे मेरी बेटी क्या मुफ्त ही आई है शोहर अरे मेरी बेटी अभी आम बात जारी है शोहर को आप लोग खुद बताएं शोहर को मिर्च मसाले वाली बीवी तो अच्छी नहीं लगेगी उसको तो अपटू डेट है ये तो वैसी रहती है सारा दिन ये बताएं अगर घर में तैयार रहो एक मिनट अम्मी अम्मी मेरी बात सुनो घर में तैयार हो तो कहती है अभी तो बेटा है नहीं किसकी तैयार एक सेकंड मेरी बात सुने नहीं नहीं अच्छा नहीं नहीं आप पहले शुक्र है मैं आपकी बहू नहीं हूँ वैसे एक दरख्वास्त है कि ये जो तंजिया जिस लहजे में आप बात करिए वही किसी और को मतलब माचिस का पूरा जंगल फायर हो जाए तो मतलब जरा आराम से नहीं मतलब इतनी तंग तरीके से आपने शुरू ही किया कि मुझे तो इसकी कोई अच्छी बात ही नहीं लगती ये वो तो भाई आपने पूरी सुनी नहीं अब सुनती तो आपको पता चलता है अगर ये पूरी प्रोग्राम तो जब जब आप सुनिए अच्छा दे दे सुनिए सुनिए पूरा प्रोग्राम आप मुझे ये बताइए कि हम किस लिए फिर नहीं अच्छी आई देखिए अच्छा अच्छा अब मेरी बात आप सुने तो सही अब अच्छी बुरी बात का देखिए मैं ब्रेक पे जा रही हूं हम ब्रेक पे जा रहे हैं क्योंकि सासू माँ जो है वो मेरी भी बात नहीं सुन रही ब्रेक
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ यकीन मानिए कि जो टेम्परेचर है ना वो तंदूर जितना गर्म हुआ है, लेकिन अब सास बहू का जो मसला है वो तो चलता रहेगा। एक हमने जो अपना मसला हल किया है वो ये है कि मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी और फिर आपने जितना बोलना आप बोले, मगर एक दूसरे की बातें काटे नहीं, क्योंकि हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है जी। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि आपकी भी बेटी है, ठीक है ना, उन्होंने भी अपने घर जाना है, क्या पता उनकी भी पसंद की शादी हो, आप किस तरह की सास, नहीं आप किस तरह की सास चाहेंगी कि अपनी बेटी की हो, मुझे बताइए। देखिए अगर सास में सास को पसंद से तो की नहीं जाती, बहू तो घर में लाई जाती है, लेकिन बहू को चाहिए कि वो आके अपने सास के मेरा सवाल ये है कि आप कैसी सास चाहेंगी अपनी बेटी के लिए। सास बनी बनाई में बहू अपनी बेटी के लिए, कि मेरी मतलब सास के लिए बहू दुआ तो करेंगी ना कि आपकी बेटी के ऊपर ऐसी कोई जालिम सास ना हो जो तंज करती हो। मेरी बात सुने, मैं अपनी बेटी को ये हिदायत जरूर दूंगी कि बेटा जाके आगे सास की खिदमत कैसे करनी है जैसे माँ की करती रही हो। अगर घर में माँ बेटी की कभी कुछ हो जाती है बात तो इसका मतलब ये नहीं है मगर बेटी माँ को कोई दर्जा ही ना दे। सास का दर्जा बिल्कुल माँ की तरह होता है, लेकिन ये हिदायत, ये तो हिदायत जो है ये माँ ने अपनी बेटी को देनी है जो उन्होंने दी ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे। अच्छा समदन जी, ये देखें अब उन्होंने आपके ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया है, वो कह रही हैं कि आपने इनको तरबियत नहीं दी सही। जब ये रिश्ता लेकर आई थी मैंने इनको सब बातें समझाती थी कि मेरी बेटी ऐसी है ऐसी है, इन्होंने कहा हाँ जी मुझे कबूल है। नहीं, नहीं, किस तरह की है, ऐसी है कैसी बहुत है, क्या? अच्छी है, मैंने इनको बताया काम करने से आता है, सलीकामंद है, सब पूछे, इन्होंने बड़ी खुशी खुशी रिश्ता तय किया और उसके बाद कहने लगी हाँ हाँ मुझे मंजूर है, मुझे तो ऐसी बहू चाहिए, ऐसी बेटी चाहिए, और बिज गई, बेटा भी बिज गया, आंटी करूंगा तो मैं यही करूंगा, वरना मैं तो क्या कहते हैं पागल हो जाऊंगा और मैं दीवाना हो जाऊंगा, सब मजबूर कर दिए उन्होंने मुझे। जवाब दे। अच्छा आप देखें, मैं पसंद करने गई थी बेटी को तो मुझे तारीफ ये सुनाएंगी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने तो अपनी भांजी से रिश्ता तोड़ा, वो हो गया ना, हो गया ना, मेरे बेटे की पसंद थी, बिल्कुल मेरे बेटे ने कहा मैंने तो शादी नहीं करनी, मजबूरन अपने बेटे की मजे जो आजकल हो रहा जमाने में जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद जब ब्याह के लाए हैं इसको प्यार से मैंने समझाया, बहू हमारे घर के ये तरीके आप यूं करेंगी, नमाज हमारे घर में चलती है, पाबंदा ठीक है, दुनियादारी भी साथ साथ है इसके बावजूद, लेकिन ये मेरी बहू का तरीका अभी देख ले, अभी देख ले। मैंने भी इनको मैंने भी पहना हुआ, मतलब स्लीवलेस कोई बात नहीं। ये घर में आई वही तनख्वाह मेरा बेटा ही कमाता, उसी में गुजारा होता था, घर भी चलता था, मिलने मिलाने वाले भी थे, सब कुछ था। जब से ये आई है इसने ऐसे कान भरे मेरे बेटे के कि वो सिर्फ मुझे खर्चा देता है, उसके बाद सारे पैसे लाके इसको दे देता है। मगर जिस पैसे मैं पहले कमेटियां भरती थी, जो इसकी माँ जो आए दिन छोड़ डालती रहती है कि कमेटियां मेरे पास पैसे नहीं होते मैं कहाँ से दूँ, और रही बात दूसरे जो पैसे बचते हैं या तो इनके ब्यूटी पार्लर में गुजर जाते हैं या लंबे लंबे बिलों में, इतने इतने बिल आते हैं, अब आप कहेंगे कि इतने लंबे बिल कैसे आते हैं, अब एक फोन कॉल हो रही है उनसे पूछेंगी तो वो तो कहेंगी मैं तो एक ही कॉल करती हूँ, एक कॉल कितनी बड़ी होती है, किसको करती है कॉल, एक कॉल कर रही है टेलर को फोन हो रहा है, हाँ देखिएगा वो मेरे आपने जो सूट मैंने दिया था वो सिल गया है, अरे तूने सिल दिया, उसको तो मैंने आस्तीन ही नहीं लगवानी थी, अरे भाई उसके तो मैंने वहां आस्तीन जो है ब्राइटी करवानी थी। आप इनकी कॉन्वर्सेशन सुनती हैं क्या? बिल्कुल, अरे बिल जो मेरे सुने तो ये बात भी सही है, आप सुने ये बात भी सुने, अब मुझे ये ना करो वो ना करो, सर पे दुपट्टा ओढ़ के रखो, ठीक है हमारे घर में शर्म है, घर में ससुर और वो होते हैं, और भाई ससुर की बात तो ससुर की अपनी बेटी नहीं है क्या, वो बगैर दुपट्टे के घर पे नहीं फिरती, अगर हया और शर्म की बात है, अगर हया और शर्म की बात है तो ससुर के आंखों में हया शर्म होनी चाहिए, जिस तरह से बेटी को देख रहे हैं उस तरह से वो बहू को देखते हैं। अच्छा सुने तो और आसिमा आज ये देखिए मेरे लिए प्रॉब्लम, आप देखे नमाज ना पढ़ू तो कहती है शैतान है पलीद है, और नमाज पढ़ने बैठूं तो कहती बड़ी मुल्लानी बड़ी फिरती है और इसको काम नहीं करना इसलिए मुसल्ले में बैठ गई है। अब आप ये देखिए बहू तो हर हाथ पिट रही है, अब आप ये देखिए बहू आप मेरी बात
अब आप मुझे बताएं, वजू करके नमाज पढ़ने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, तो सासू साहिबा फरमाती है हाँ आज इसने काम नहीं करना इसलिए मुसल्ले पे बैठ गई। अब आप बताएं मैं नमाज नहीं पढ़ू, इनकी बातें टेप लगाओ फौरन ना बेटा, वैसे इनको बिल्कुल नमाज का कुछ नहीं, जहाँ मैंने टेप लगाया दोनों माँ बेटी एक कुरान शरीफ लेके बैठ गई, यही हाल है। तो आवाज हल्की करो, अब आप मुझे बताएं। अच्छा मुझे बताएं, आप करण से पूछ ले जिनमें नमाजें कितनी होती, नाम पूछ ले इनको, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, ये तो गलत बात है, अल्लाह तौबा है। मेरी नन को आप देखिए जो मेरी सास के पीछे लगाए हुए, एक फोन कॉल कर लो तो चुपचाप सुनती है और पता नहीं सिर्फ इतनी लगाने की देर होती है। पहले मेरी एक बात सुनिए, आप अच्छा सा काम लगा रहे हैं अम्मी, खामोश बोलने के बाद भी बात सुनने को 2 दिन के बाद हम कोई बात नहीं सुनती है। नन का क्या, मैं आपको मैं कॉल कर रही हूं, आप नन को आके देखना चाहिए किसको कॉल कर रही हूं, अपनी बात नहीं कर रही हूं मैं, बैठी जाती समझ आ रहा है मेरा सुनने का आदमी तुम्हें नहीं तो अपन नहीं लेगा। अच्छा ये मां बेटी तो बहुत झूठी है, आप बुलाएं मेरे शौहर से, मेरे शोर से बदजन करने के लिए मैं किसी को टेलीफोन कॉल कर रही हूं, एक मिनट आप मेरी बात सुनेंगे ना, पहले आप अपनी अम्मी को संभालें जरा, वो बहुत अम्मी आप अभी वो वायलेंट हर बार तुम्हारी सुने हर बार तुम्हारी नहीं नहीं बिल्कुल गलत, मैं जरा सी फोन पे बात नहीं ना मैं आपसे सास से कह रहा अम्मी भाभी पता नहीं किससे इतनी देर से बात कर रही है, आप ये वे ऑफ टॉकिंग में बात गलत। अच्छा अच्छा बस बस अच्छा आप ये इशू का करें कि मेरे हस्बैंड मुझ पे इतना ज्यादा वो करते हैं कि मैं मेरे लिए सुना थी हर बात का साथ, हर बात का साथ देती है बेटा, जब बहू चुप हो जाओ तलाक दिलवाऊंगी, ऑडियंस इनको यही काम है तलाक दिलवाऊंगी, बार बार नहीं चाहिए मुझे आप जैसी बहू भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये जो सास बहू का मसला है ये तो चलता रहेगा, हमने सोचा कि स्पेशल पर्सन से स्पीकर फोन पे हम बात करते हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कौन है, वो आपके मियाँ और इनके ससुर हैं, क्या ख्याल है, हो जाए ना तालियां। लेकिन मेरी तरफ से ये बदजन करती है। अच्छा बस एक सेकंड, हेलो जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं ZQ बोल रही हूँ, हम चैनल से हम माचिस एक टॉक शो कर रहे हैं और आपकी बीवी और बहू इधर आए हैं। सच बोलते हैं, पहुंच गए जी? जी जी बिल्कुल पहुंच गए, हमने बस एक सवाल पूछना था, मुझे आप बताइए कि आपके घर में सास बहू के बीच में झगड़े होते हैं? नहीं नहीं, मेरी बहू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो मेरी बीवी को अपनी माँ की तरह समझती है और मेरी बीवी जो है वो उसको बेटी की तरह समझती है। अच्छा आप घर में क्या ज्यादा रहते नहीं है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल घर में होता हूँ, बस अपने कमरे में बंद होता हूँ। अच्छा अच्छा मुझे बताइए कि क्या सीक्रेट है इनके सक्सेस की, कि ये इतनी अच्छी सास बहू हैं, ये किस तरह से इतने अच्छे सास बहू हैं, आपने इनको कभी लड़ते हुए नहीं देखा, आपकी जो बेटी है इनसे कभी नहीं लड़ती, ये बेटी से नहीं लड़ती? नहीं कभी भी नहीं लड़ती, बल्कि अक्सर मैंने ये देखा है कि ये काम काज के पीछे एक दूसरे के लिए लड़ रही होती, नहीं मुझे करने दो नहीं मुझे करने दो। अच्छा काश इतनी सच्ची मेरी सास भी होती। अब या तो रॉन्ग नंबर मिला है कि नहीं काश इतनी सच्ची मेरी सास भी होती। बिल्कुल ये मेरे ससुर है जो अपनी बहू के बारे में बोल रहे हैं, जो कि जानते हैं कि उनकी बहू कैसी है। यही तो एक खूबी है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, आपका का मुंह देखा है मैंने, अपने ससुर का मुंह देखा है, काश ससुर। अच्छा अच्छा सुनो सुनो, ये दरख्वास्त मुझे ब्रेक से पहले मिली थी कि आप उनकी बात ज्यादा सुन रही हैं, अब उनकी सुन ले, काफी देर से सारी उम्र सासों को यही प्रॉब्लम रही है कि छोटी हो तो बेटा आगे बिल्कुल रहो, बहू अब सुन लो बस सारी उम्र यही प्रॉब्लम। अच्छा बहू वाकई देखो ये नहीं सुनो, अच्छा सुनो अब सुनो, चलो अब देखें, ये जो अलार्म लगा रही अपनी बेटी को। अच्छा अच्छा सुने मेरी बात, आप आपकी सास कैसी थी? सास को मारे गोली पहले इसकी। ये देखिए क्या, अब ये देखिए, अब आप भी देखें, सास ने अपने पांव क्या ये कह रही है। अच्छा चलो क्या, जब ये कह रही है सास को मारे गोली तो बहू भी कहेगी मारो सास को गोली। अरे आप तो देखिए, आप देखिए बहू देख के रिस्पेक्ट करेगी। अच्छा मैं कह रही हूं, सास ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है,
हम जा रहे हैं एक ब्रेक के लिए और उसके बाद आएंगे तो इंशाल्लाह मुहज़्ज़ब तरीके से हम बात करेंगे। वेलकम बैक, मोज़ा हो गया है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ वन बाय वन सब ने जिसने भी जो भी बोलना है बोलें, बेशक बोलें, मगर आपस में एक दूसरे को काटें नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि लड़कर क्या क्या पाएंगे आप, कुछ नहीं ना, वही चीज़ें आप ही चीख रही हैं, वो भी चीख रही हैं, इतनी मतलब कि आप सोचें कि आप लोगों के रिश्तेदार नहीं देखेंगे टीवी पे, नहीं मतलब कि अच्छा जवाब ना दीजिएगा, ओवरलैप मुझे ना कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर जो बात आराम से प्यार से हो सकती है तो वो आप लड़कर क्यों करें, ठीक है ना। आप लोगों को अच्छा तो नहीं लग रहा ना कि आप किस तरह से, जैसे वो मोहल्लों में नहीं होता कि वो लड़ते हैं और वो उस तरह से हो रहा है, मतलब आप महज़ब लोग हैं, नॉर्मल एजुकेटेड लोग हैं, इस तरह से तो बिल्कुल कोई हल नहीं होगा और शायद इसीलिए नहीं हल हो रहा। मुझे चले अब हम नंद से शुरू करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि इस सारी चीज़ को किस तरह से हल किया जाए। अब देखें भाभी, हम लोगों को मौका ही नहीं देती कोई बात करने का, जब देखो जैसे यहाँ नजर आ रही है ये घर में बिल्कुल ऐसी है, सेम ऐसी है ये घर में, अम्मी से लड़ती है, मुझसे लड़ती है, हर वक्त लड़ाई झगड़े। अच्छा अब्बू को पता ही नहीं होता। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपका ख्याल है कि सारा कुछ जो जो सारा जो ये है ना ये फसाद, उनकी जड़ ये है। अच्छा एक सच सच्ची से बात करें, आपने भी जाना है, पता नहीं अल्लाह इंशाल्लाह आपकी सास अच्छी हो, मगर कुछ नहीं पता, ठीक है ना, आप भी इसी पोजीशन में हो सकती हैं, ठीक है। मुझे बताएं कि आपकी अम्मी कोई लड़ाई नहीं शुरू करती? नहीं, मेरी अम्मी लड़ाई शुरू नहीं करती, भाभी शुरू करती हैं, तो फिर अम्मी का हक बनता है बोलने का। मगर आपका क्या, आपका फर्ज नहीं कि आप इन दोनों को रोकें, आप इनको? अरे भाई मैं तो इतना रोकती हूँ पर भाभी कहाँ सुनती है हमारी, ये तो मुझे भी बीच में बीच डालती, इतना डांटती और इतनी गंदी गंदी गालियां देती जब मैं इनको छुड़वाना बंद करती हूं। बारी आएगी। अच्छा अच्छा मुझे बताइए कि आप आइंदा से आप कोशिश करेंगी कि देखें आप लोग सब एक घर में रहते हैं तो क्यों ना आप लोग प्यार मोहब्बत से रहें। अरे भाई आप भाभी को ये बताएं, मैं तो इनकी इतनी बातें हैं जो पर्दे में रखती, अगर मैं चाहूँ तो भैया को बता सकती हूँ, फिर देखें भाभी का क्या हाल हो। अच्छा लेकिन मैं पर्दा रखती हूँ, नहीं बताती। चलें ठीक है। अच्छा जी आप मुझे बताइए आप क्या चाहती हैं अपनी बहू से, क्या एक चीज मुझे जो मैंने नोटिस किया है और शायद हमारे ऑडियंस ने भी नोटिस किया कि जो वो आपने एक चीज दिल पे रख ली है ना कि 3 साल पहले जब आपने रिश्ता अपनी बहन की बेटी के लिए दिया था और वो टूटकर इनके साथ लव, मेरा ख्याल है कि वही चीज आप अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब ये आपकी बहू है, इनसे आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, ठीक है ना, आपने दादी बनना है, तो आप प्यार से मुझे बताएं कि आप किस तरह की बहू, ये किस तरह से चेंज हो सकती है, आप मुझे ये बताएं। आप यही देखें, चलें मैं और तंस के बगैर नहीं, तंस बिल्कुल प्यार से, मेरी बेटे की पसंद है आ गई, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, घर में ले आई, भांजी छोड़ दी, ये साफ कही बात है। लेकिन अब देखें इसको चाहिए था कि थोड़ा सा कोऑपरेट करती, वो भी अगर नहीं कर रही मैं तो भी बर्दाश्त करती रहती। अब हमारा माहौल आप देख रहे हैं, मैं नहीं ये नहीं कहती कि मैं तो चाहती हूँ कि अपने माहौल में रहें, प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत से फैशन करे जो दिल चाहता है इसका, क्योंकि माशाल्लाह आप तो भी माशाल्लाह आप तो बढ़के रहने वाले हैं, ऐसा मसला नहीं है, ये ऐसे उसको पसंद आ गई तो कोई मसला नहीं है, हमने अपने माहौल में इनको ढाल लिया है। अभी अब मेरी बात सुनो, मुझे मेन शिकायत जो है ये सारे खुद ही आप इंसाफ कीजिएगा, जो मेरा जो दिल जलता है इसकी मैं सारी बातें बर्दाश्त, की जबान आप देख रही हैं कितनी चलती है वो मैं, मुझे बर्दाश्त है, इसके फैशन बर्दाश्त है, इसके फोन बर्दाश्त है, सब कुछ मुझे बर्दाश्त, एक बात मुझे कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती, मेरा दिल जो आजकल जल रहा है, मेरा एक बेटा, मैं अपने पोते पोती खिलाने के लिए तरस रही हूँ, लेकिन ये औरत फैशन में पड़ी हुई है, अगर बच्चे की बात करूं कहती फिगर खराब हो जाएगा मेरा, तो भाई मैं तो बड़ी उम्र की लगने लगूंगी, मुझे तो लोग शादी शुदा कहेंगे, मेरा एक बच्चे, मेरे बच्चे की नस्ल तक नहीं ये चलाती। अच्छा। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? अच्छा। मैं रोऊंगा तो क्या करूं? ठीक है। मेरे से मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं किसी बात का, मैं तो जाती हूँ कोई मसला हो तो मैं कहती हूँ कोई नहीं सब ठीक है, बेटी है बच्ची है, आप ना फोन पर उनकी बात सुनूंगी, एक बात हो कसम मैं कभी उनको बताती हूँ वो तो बर्दाश्त ना करें, वो तो इतने प्यार से इसको लेते हैं, देखिए बेटी की तरह समझते हैं। अच्छा अगर उनको ये पता चले कि हमारी बहू नखरे में उसके बेटे की नस्ल तक नहीं बढ़ा रही, बताएं उनका क्या हाल होगा, आप ही बताएं नस्ल नहीं बढ़ा रही, ये शिकायत क्या करूंगी मुझे। एक बात मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे होते हैं ना वो अल्लाह की देन होती है, जिस वक्त आना है ना इंशाल्लाह वो आएंगे, ठीक है,
तो ये किस्मत है। ये जब तुर्की व तुर्की कहती है मैं अभी बच्चे नहीं कर रही, मैं तो 7-8 साल तक बच्चे नहीं करूंगी क्योंकि मेरा तो फिगर खराब हो, बूढ़ी हो जाएगी तब तक अफकोर्स आप तो फिगर खराब करने की जिसको फिकर जिस औरत को होगी वो बच्चा पैदा करने की कैसे सोचेगी। अच्छा ठीक है, कह दिया कह दी, अब उसके झूठ। अच्छा नहीं नहीं नहीं, अब देखिए वो चुप रही है, आप लोगों ने बहुत उनके ऊपर इल्जाम लगाए, अब उनकी सुन ले। मैंने नहीं, सब सच। अच्छा ठीक है, अब आप लोगों ने नहीं बोलना। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अपनी सास की इस बात को वाजे कर दूं, देखने वाले बंदे को पता चलता है। अगर खुद से मैं कहूं जी मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं, ये तो आपको मेरे बात करने से या दूसरे के बात करने से पता चलेगा कौन कितना एजुकेटेड है और कौन कितना नहीं। और रहा जो इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि 3 साल हो गए और ये बच्चे नहीं हुए, तो देखें बीबी जी ये तो अल्लाह की देन है। आप मेरी सास से ये पूछें जिनका अकलौता बेटा है जो कि मेरा शौहर है, वो शादी के खुद 4 साल बाद हुआ है। क्यों? अब ये मैं अल्लाह से अगर वो सवाल करें तो आप बताएं, ये मेरे बस में नहीं है। आप पूछें मेरी माँ से, मुझे तो माँ मेरी लेके जाती रही है, अब ये अल्लाह के हाथ में मेरा नसीब है। जब होगा, जब इनके 4 साल तक औलाद हुई, जब 4 साल तक इनका औलाद हुई तो मुझे नहीं मालूम कि मेरी दादी सास ने क्या कहा होगा। तो यही बात अभी मैं बता। अच्छा अभी 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 रुक जाए, ये तो नसीब की बात है। 4 साल बाद मेरे हस्बैंड पैदा हुए, तो अब अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं और इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। और रही नन की बात, जो नन कहती है कि भाभी ये करती है, तो जाहिर सी बात है, आप ये देखें नेचुरली सी बात है कि जो बेटी होगी, चाहे वो मेरी बेटी भी कल को होगी या मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, तो वो साइड मेरी ही लेगी। अब उनका ये कहना है कि अम्मी कभी भी हमेशा राइट होती है, भाभी गलत होती है, तो आप मुझे बताएं, मुझे पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा कि हमेशा मैं रॉन्ग होंगी? मैं क्यों रॉन्ग होंगी? आप मुझे बताएं, इनका बेटा मुझे कुछ तो मेरे में खूबी होगी जो मेरा इनका बेटा अपनी अम्मी से लड़ाई करके मुझे शादी करके लाया है। अब आप मिसाल के तौर पर देख लें, कोई बाजार ये नहीं छोड़ती, संडे बाजार इनको जाना है, मंडे बाजार। आप इनकी उम्र देखिए, आप ये देखिए इनकी उम्र देखिए, अल्लाह अल्लाह करने के दिन है, स्टार प्लस का कोई ड्रामा ये नहीं छोड़ती है, माँ बेटी है, सारा ठीक ठीक से लगी रहती है। अब आप मुझे बताएं, अगर ये अभी नहीं, आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है, अभी पहले मेरी बारी नहीं बोला उन्होंने, नहीं बोला मेरी बारी, उन्होंने नहीं बोला। अगर आप ये देखिए ठीक है, अगर माँ बेटी सारा दिन स्टार प्लस है, अभी खाना बहू एक बहू खाना बना ले, जो अम्मी आप वो नहीं बनाएगी, नाजिया नहीं बनाएगी, नहीं भाभी काव्य अंजलि आ रहा है, इसके बाद वो कहानी घर घर की आ रहा है, बोलने का मौका देती है बहू एक बार। अच्छा सुने सुने सुने, बस एक सेकंड, ये मैंने आपसे पूछ रही कि क्या क्या बुराइयां हैं, मैं पूछ रही हूँ कि अब आप मुझे बताइए कि इसका हल क्या है। मैं आपको बताती हूँ इसका क्या हल है। अच्छा मैं बताती हूँ, कितना प्यार करती हैं अपनी बेटी से, और आपने देखा इनकी बेटी ने अपनी माँ की साइड ली और भाभी की एक भी नहीं ली। भले अब मैं भी बिल्कुल मैं इंसान हूँ, गलती होती है मुझसे, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन आप देखिए क्या मोहब्बत देखिए। अगर बेटी ने जिस तरह माँ की साइड ली और माँ ने, अगर यही सास मेरी ये समझे कि इनका अकलौता बेटा है, अकलौता बेटा है, उसकी मैं अकलौती बहू और मेरे से नसल चल रही है, अगर ये मुझसे प्यार और मोहब्बत से रहे तो मैं क्यों ऐसी हूँ कि मैं इनसे कैसी रहूंगी। अच्छा अब आपकी बारी। अरे इन्होंने तो जिस दिन से इनकी जो बात करती हैं ये गलत करती हैं, और ऐसी लप्पो चप्पो करती हैं मियाँ से भी और से भी, और बेटी की इतनी जबान है इनकी, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। मगर एक बात, अच्छा अच्छा सुनिए सुनिए, बोलिएगा नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मैं हूँ, कुछ बोल नहीं रहे, बोले क्या आप? मुझे ये बताइए कि देखिए वो कहते हैं ना कि बेटा जब तुम घर गई हो तो मतलब कि जब दूसरे घर जाते हैं तो उसके वहाँ से मैयत ही निकले, मतलब वो उस तरह की बातें होती हैं। आपने अपनी बेटी को कहा है कि तुम आराम से कुछ एफर्ट करो, तुम भी चलो ठीक है, अगर वो जैसी भी हैं, चाहे अगर वो हैं खुद सर और अगर वो हैं इस तरह से वो बातें करती हैं, आपने कहा कि चलो तुम चुप रहो। मैंने अपनी बेटी को, मेरी अम्मी ने सिखाया मुझे, मेरी बेटी को वैसे ऑनेस्टली बर्दाश्त करूं, मुझे अम्मी को, मैं तो गरीब घरानी की, तो अपनी बेटी को मैंने यही सिखाया था, बेटी जो भी ससुराल वाले कहें तुम उनकी हाँ में हाँ करना, वही तुम्हारा घर है, वही से तुम्हारी मैयत निकलेगी, वही तुम्हारी। लेकिन मेरी बच्ची को न बोलने देते, न कोई चैन से बैठने देते। अच्छा जब आज ये मेरी बच्ची, एक सेकंड एक सेकंड, तो कुआरी लड़कियों की घस घस की जबान है। अच्छा हमारे घर में शादीशुदा भी इतनी बोलती है। जो असल इस सास बहू के मसले की, इस फसाद की जो जड़ है, मेरा ख्याल है अब वक्त हुआ है कि हम उनको बुलाएं, लेकिन वो ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। मेरा ख्याल है कि हमने बहुत बातें कर ली और अब ऑडियंस को मौका देना चाहिए
कि बेटे साहब भी यहाँ हैं, सास भी हैं, बहू भी हैं, समधन भी हैं और नंद भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप ऑडियंस सवाल पूछें इनसे। ओवर टू यू ऑडियंस। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल जो है वो हस्बैंड से है। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि लड़ाई की जड़ जो है वो कौन है, आपकी वाइफ है या फिर आपकी मदर? असल में लड़ाई किसी वजह से अगर होती है तो उसकी पहले उसकी स्टार्टिंग देखी जाती है कि वजह क्या है। तो अगर क्या काम के ऊपर हो रही है, तो अगर जिसमें मेरी वाइफ शामिल है और उस काम को जो मेरी सास मेरी माँ कह रही है अगर वो सही है और अगर वो उसको पूरा नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि फिर मेरी वाइफ गलत है। नहीं, तो जब कोई भी झगड़ा या कुछ भी लड़ाई होती है तो उस वक्त तो आप मौजूद नहीं होते, तो जब वापस आकर जब आपको पता चलता है कि किसकी गलती है, उस वक्त तो मौजूद नहीं है आप, नहीं तो आप क्या फैसला करते हैं? नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब मौजूद नहीं होता तो वापस आने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि जब जंग होती है उसके बाद उसके आसार नजर आते हैं। किस पर बिलीव करते हैं, अपनी मदर पर या अपनी वाइफ पर? मैंने कहा ना कि जो हकीकत है वो यही है कि अगर मेरी सास मेरी माँ जो है अगर वो बिल्कुल सही बात कर रही है और मेरी वाइफ उसको पूरा नहीं कर पा रही किसी वजह से, आप किस तरह कहते हैं? तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा घर जो एक जन्नत हो। जब मैं ऑफिस से आता हूँ वापस, तो मेरी तो कोशिश ही यही होती है कि मैं जब घर में आऊँ तो मुझे सुकून मैसर हो। आपका सवाल किसके लिए? मेरा सवाल सास के लिए है। अच्छा जी, सवाल यही है कि आप किस तरह इस चीज़ को मेंटेन करें कि आपके घर का माहौल, जैसे बेटा कह रहा है कि मैं जन्नत बनाना चाहता हूँ अपने घर को, हर बेटा यही चाहता है कि माँ बेटी सास हर कोई अच्छी तरह रहे, क्योंकि किसी को इस दुनिया में रहना नहीं है, अच्छा आप करके जाएंगे तो ऊपर जाके भी आपके लिए अच्छा है। तो बस यही सवाल है। बिल्कुल जवाब। अच्छा, आपने जो पूछा है कि मेरा बेटा चाहता है कि घर जन्नत बना रहे, इससे आपको अंदाज़ा एक तो हो गया होगा, आपने मेरे हस्बैंड की बात सुन ली कि उनको भी हमारे ये जो जंग हो रही है उसका पता नहीं, और मेरा बेटा आप सामने बैठा हुआ है इसको भी मालूम नहीं होता कि घर में क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ मेरा तो एक ही बेटा है, वो स्कूल में रहे, सारा दिन थका आ रहा आता है, काम करके आता है, जो कुछ होता है मैं अपने भी बर्दाश्त करती हूँ, मैं अपने बेटे अपने हस्बैंड को कभी कुछ तो नहीं वो चीज़ होनी नहीं चाहिए ना, आप भी क्यों बर्दाश्त कर रही हैं, आपको बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है, वो चीज़ होगी नहीं, आप भी खुश रहेंगे और लोग भी खुश रहेंगे। आदत है उसमें, कोशिश तो कर रही हूँ कि वो सुधर जाए, अगर नहीं भी सुधर रही तो मैं तकलीफ खुद पे बर्दाश्त कर रही हूँ, अपना माहौल घर का खराब नहीं करना चाहती, ये मेरी थोड़ी बर्दाश्त है, इससे और अच्छी सास में क्या बनूं कि अगर मैं घर के माहौल को खराब करूं तो मेरा तो बेटा जहन्नम में जले। अच्छी तो आप अपने लिए ना, अपनी बहू के लिए तो अच्छी बने ना। अच्छा, तो ये चाहिए ना उसको, मेरा ख्याल है मेरी तो चाहिए यही है। किसी और को सवाल, किसी और को दे दूं। मेरा सवाल एक नंद से कि आप भाभी को अपनी बहन की तरह क्यों नहीं समझती? अरे मैं तो यही चाहती हूँ कि भाभी मेरी बहन बन के रहें, हम मैं अपने राज उनको बताऊं, लेकिन भाभी जो है ना अक्सर मेरे ऊपर इल्जाम लगाती रहती हैं, वो बहन बन के रहने कब देती हैं, अक्सर झूठे इल्जाम लगाती रहती। आप कोशिश तो करें। बहुत कोशिश कर चुकी है, एक बार नहीं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम हुई है। जरूरी तो नहीं है कि भाभी गलत हो, आप भी हो सकती हैं। हो सकता है, लेकिन मैंने कितनी दफा कोशिश की है, मेरी हर कोशिश नाकाम हुई है। आपके सामने भाभी मेरी सुनती नहीं है, पूछती नहीं है। किस तरह आप दोनों की दोस्ती होगी? अभी नंद की दोस्ती और भाभी से मेरे ख्याल में कभी नहीं होगी। हो सकती है, नंद कोशिश करे तो। मैं तो कई बार कोशिश कर चुकी हूँ। और कोई सवाल? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप अपनी बीवी में कोई खराबी देखते हैं या आपको कोई बुराई नजर आती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर इंसान खुद अच्छा हो तो वो दूसरे के अंदर अच्छाई देखता है, और मैं अपनी बीवी को भी बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि जब मैं आता हूँ तो वो मेरी भी इतनी ही खिदमत करती है जितनी हर बीवी की होती है उसके अंदर, जबकि वो अपने मियाँ की जो है हर बात को मानती है, लेकिन जब मैं नहीं होता तो मुझे आई डोंट नो कि क्या क्या इनकी बातें होती हैं आपस में, या क्या लड़ाइयाँ होती हैं, किस वजह से होती हैं, जबकि कपड़े धोने के लिए मासी रखी हुई है, बर्तन धोने के लिए मासी रखी हुई है, और हर चीज़ के लिए सिर्फ अगर खाना पकता है तो वो भी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये आपस में लड़ती हैं तो मैं जब आता हूँ तो मुझे सुकून और पुरसकून माहौल चाहिए होता है, तो शायद ये वजह है कि इनके दिल में कम से कम इतनी बात तो है कि ये आपस में अंडरस्टैंड करती हैं, और मैं जब आता हूँ तो शायद ये उस टाइम नहीं लड़ती हूँ, तो इसलिए मैं तो अपनी बीवी की बुराई इसलिए नहीं करूँगा कि क्योंकि जो बीवी जब मेरे सामने होती है जिस टाइम मैं होता हूँ घर में ऑफ डे में, तो मुझे तो सही उसकी परफॉर्मेंस सही लगती है, सेटिस्फाई हूँ मैं उसकी, मैं बुराई नहीं करूँगा अपनी बीवी की, ना मैं अपनी माँ की बुराई करूँगा, इसलिए कि मेरी माँ और मेरी अम्मी जान दोनों जो हैं, मैं इनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि बेटी का घर इन दोनों के ही हाथ में होता है, बनाना भी और बिगाड़ना भी, क्योंकि शोहर जो होता है वो
जॉब के सिलसिले में बाहर रहता है, जब वापस आता है तो उसको ऐसी बातें ना सुनने को मिलें जिससे ये घर तबाह हो और जिससे ये माहौल ख़राब हो। मेरा सवाल ये, जो सास है इनकी बेटे साहब की, इनसे सवाल है कि जब ये अपनी बेटी को ये नसीहत करके भेजती हैं कि अब मरना जीना और हर खुशी गम आपका उन्हीं के साथ है, तो फिर ये हर बात में फिर टांग क्यों अड़ाती हैं? फिर उनको बेटी को उन्हीं के साथ जीने दें ताकि वो उन्हीं के साथ चलने की कोशिश करें, फिर हर चीज़ में हर मसले में टांग लें। बेटी को सब यही सिखा के भेजा कि बेटी जब दूसरे के घर जा रही हो, तुम्हारी सास जो है ना, उनके साथ जो वो कहें वही करना, लेकिन मेरी बेटी कहाँ तक करे, कहाँ तक बर्दाश्त करे, उसे सब कुछ करके देख लिया। साफ ने कहा दिन है तो उसने दिन कहा, साफ ने कहा इतने कपड़े धोने उसे दें, अब एक हद होती है, एक लिमिट होती है, उसको एक दिन भी उसे चैन से नहीं बैठने देती, उसे सुनती नहीं, उसकी बात तक नहीं सुनती, तो वो और क्या कुछ करेंगी, वो तो कुछ करने का हर काम उसके आगे डाल देती है, हर वक्त उसे सताती है, तो मेरी बेटी कहाँ तक बड़े जब उस किसी के नोचे जाओगे तो कुछ तो कोई बोलेगा ही नहीं, कब तक उसकी जबान बंद रहेगी? ये तो मेरी बेटी का जर्फ है, जब तक बर्दाश्त कर रही है, उसने उसको बर्दाश्त किया ऐसी सास को और ऐसी अगर ऐसा हो तो मेरा ख्याल है कि बहू को इतनी शय ना मिले जो वो इस तरह बाप के सामने बैठ के इतना बोल रही है। जब अगर आपका अदब नहीं कर रही तो फिर वो अपनी सास का भी नहीं करेगी। सुन लिया। मेरा एक सवाल अब आपको ये है कि अब आपको पता चल गया है, ठीक है, अब आप क्या कछुए की तरह वो जो सर अंदर कर लेते हैं अपने शेल के, अच्छा ठीक है मैं जब आता हूँ तो सुकून जन्नत होता है, लड़ना है लड़ें जो भी, नॉट माई प्रॉब्लम, क्या आप ऐसे रहेंगे? अब आप इस मसले का हल क्यों किस तरह करेंगे? क्योंकि मेरा ख्याल है कि खावंत की भी ये बहुत बड़ी फॉल्ट होती है कि अगर आप कहें कि भाई आप सामने आमने सामने बैठे हैं आपके सामने, और मेरा तो ख्याल है कि ससुर को भी बैठाएं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोगों के घर में ये मतलब कि दोगली जिंदगी गुजरी है, वो ससुर साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल वो तो बहुत एक दूसरे से माँ बेटी हैं, आप भी जी क्यों, आप ये देखें ना कि मैं इनकी वालदा को अगर माँ का दर्जा दे रहा हूँ तो कुछ वजह है, और दूसरे की बेटी अगर हमारे घर में आ रही है तो मेरा भी फर्ज बनता है, मेरी बहन का भी और मेरी माँ का भी, कि उसको भी उसी तरह रखें जिस तरह हमारी बहन है, और इंशाल्लाह जब इसकी शादी होगी तो वो आप देखेंगे कि दूसरे घर में जाके पुरसुकून होगी। तो ये गलत बात की है कि आप बिल्कुल इनके मुट्ठी में बंद हैं, उंगली छोटी उंगली के इर्द गिर्द लपेटा हुआ है उन्होंने। एब्सोल्युटली नॉट, इसकी इसका आप इसी से देख लें, आप उसके मेरा बेटा है, मुझे पता है इसका बुरा नहीं है दिल का, अभी देख लें उनसे दबाव कितना है, मां बहन के पास बैठने के लिए बेटा अगर राइट बात पे भी बहू के लिए बोलेगा। अब आप ये देखें, अगर बेटा सच बोलता है, माँ तो बेटों को सच बोलने की तलकीन करती है, अब जब बेटा सच बोल रहा है तो उनको वो भी नहीं सहा जा रहा, अब किस हाल में खुश है मेरी सास, नहीं बेटे को क्या झूठ की तरबियत देती है? अब तुमने बेटा अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया और कानों से सुन लिया, अब तो तेरे रिश्तेदारों ने भी देख लिया तेरी लव मैरिज, हाँ तो कौन बहुत हो गया ना, आप ये देख रहे हैं इससे बेहतर और इसको क्या खामोश रहे, इसको क्या खामोश रहे, तेरी बहन पे जो जो उसने इल्जाम लगाए ना हमने उसे बर्दाश्त नहीं किया, मैं तेरी बर्खा से प्लीज आप लोग चुप हो जाएं, इसको क्या हम बंद रखा करें, बहुत हो गया मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है यार, प्लीज यार फॉर गॉड्स सेक यार मैं तंग आ गया उन चीजों से, प्लीज इसको समझाओ, आप चुप हो जाए प्लीज, इफ़त आप उनसे उठ के सॉरी करें कि जो भी इन्होंने बातें की हैं आप उनको बोलें कि आइंदा नहीं होगा, और आप प्लीज उनसे सॉरी करें, और आप लोग चुप क्यों नहीं होते, तो समझाओ उसे अपनी लव मैरिज को, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इतने दुखी सुन सकती, समझ आ गई, तेरी तेरे बेटे की ख्वाहिश को लेके मैं अब तक यही कर रही हूं, बात अब बहुत हो गया, अब बेटे की जन्नत कहां गई, फॉर गॉड सेक प्लीज खामोश हो जाओ, इस बात को तैयार हो जाती कि अब मैंने तेरी हर बात को माना, इसको अब समझा लो, अम्मी आप चुप हो जाइए, मैं खामोशी उसकी जबान बंद करवा दूंगी, आपको समझाइए अपनी मां बहनों को, उस कुंडी से पूछ ले, कुंडी साहब से पूछ ले, उसे पूछ ले, प्लीज आप उसमें इंटरफेयर करें, प्लीज मेरे घर के, सॉरी कर ले, क्या होता है कोई बड़ा छोट कर ले, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, बस सॉरी कर ले, ताकि आराम से कोई भी बात हो घर में बैठ के हो जाए, यहां तमाशा बन गया क्या फायदा, भैया देखे इधर बस ठीक है, भैया करती रहे, अब मिस्त्री ने बने सॉरी करने को तैयार हूं, अरे तेरा क्या से भैया आया, वो तो सालियों का भैया हो गया, सालियों का भैया, लिसन टू मी, जब बहन है
आप कहाँ गए उनके बेटे की जन्नत? बहुत बेटे की वजह से बर्दाश्त करने की जन्नत दिखाई दे रही है। कर तू माफी मांग लीजिए। आप आपको बेटे को समझाएं, बेटी को समझा ले, उसको शर्म मेरी बात सुने आप, खामोश आप बेटे की उसके भाई की बीवी और उससे इतनी लंबी जबान चला रही है। बस भाई के सामने हालत अगली दफा एक और नई टीवी के साथ छोटी है आप, सॉरी करें और अम्मी आप तो